हेमंत भाटिया फिर निकले जनसंपर्क पर। वार्ड 28 में मिले लोगों से का भाजपा की शिकायत मिली सुनने को। विधानसभा चुनाव में अजमेर दक्षिण से कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत भाटिया फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करने निकले। आज पार्टी ने वार्ड 28 में जनसंपर्क किया, लोगों से वोटों की अपील की। पार्टी ने कहा कि जिले के जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूं वहां से भाजपा की बुराई सुनने को मिल रही है, इसे इस बार जीत कर जनता की समस्या का हल किया जाएगा। आज वार्ड 28 के अंदर हमने जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा है। हम आदर्श नगर के मेन रोड की तरफ जो भाग पड़ता है वहाँ पर अभी जनसंपर्क कर कर आए हैं और यहाँ के सभी गणमान्य नागरिक और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता हम सब मिलकर यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं। वहाँ लोगों का बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी की सरकार से सब परेशान हैं। यहाँ पर बहुत शिकायतें हैं, जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने काम नहीं कराए हैं, उस चीज़ की नाराज़गी है। रसोई गैस को लेकर भी यहाँ पर बहुत नाराज़गी है कि इतनी महंगाइयाँ हो गई है, और सब चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए और जिस तरह सुचारू रूप से पहले इस राज्य का प्रशासन चल रहा था उसी की मांग आज जनमानस कर रहा है और सभी ने कांग्रेस को वोट देने के लिए।